आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरा मेकअप कलेक्शन। सो इट्स अ रिक्वेस्टेड वीडियो, काफ़ी ज़्यादा लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप अपना मेकअप कलेक्शन दिखाइए। तो देखिए, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मेरे पास बहुत ह्यूज वाला मेकअप कलेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ, YouTube के लिए मैंने जो भी कलेक्शन किया है, जो भी खरीदा है वो YouTube में वीडियो शेयर करने के लिए ही खरीदा है। तो वो सारा कलेक्शन जो अभी तक मेरे पास हो पाया है वो सब मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। इसमें से कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी हैं, लेकिन स्किन केयर का कंप्लीट कलेक्शन अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको बाद में शेयर करूँगी। आज मैं आप लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ मेकअप का कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ। सो यस गाइस, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। गाइस चलिए देख लेते हैं मेरा मेकअप कलेक्शन का वीडियो। और हाँ गाइस, होपफुली आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे रेंडमली स्किन एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। एंड यहाँ पर निविया का सनस्क्रीन है, हिमालय का है, एंड यस ये बड़ा वाला पाउडर का डब्बा रखा हुआ है जो कि गर्मियों में बहुत काम आता है। एंड यहाँ पर रोज़ वाटर है जो मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ। मॉइस्चराइजर्स हैं, बोरोलिन है, गुड वाइब्स का मॉइस्चराइज़र है, ग्लिसरीन है, एंड यहाँ पर थिनर भी रखा हुआ है, नेल पॉलिश रिमूवर। एंड यस यहाँ पर आप देख सकते हैं कैस्टर ऑयल है। एंड यस यहाँ नीचे हम आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा मेरा माइसलव वाटर, ये पॉन्स का है एंड एसक्यू का भी है, और ये दोनों ही अच्छे हैं। एंड यस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुड वाइब्स का टोनर है, ओरिफ्लेम का है, एंटीबायोटिक का टोनर है, अगेन रोज़ वाटर रखे हुए हैं यहाँ पर। मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, एज अ टोनर भी यूज़ कर लेती हूँ डेली बेसिस पे, मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगता है, रिफ्रेशिंग सा। एंड आलता रखा हुआ है, सीरम्स हैं, ये गुड वाइब्स का गोल्ड लीव ऑयल है। एंड यहाँ पर अंडर आई सीरम है, विटामिन सी सीरम है, एंड यस ये ग्रेप सीड सीरम है, एंड जो एलमंड ऑयल आता है वो है। एंड यहाँ हम नीचे की तरफ में आएंगे तो आपको इस बास्केट में मिलेगा बहुत सारा यू नो आईलाइनर एंड मस्कारा। मस्काराज मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि ड्राई हो जाते हैं, तो लिमिटेड ही लेती हूँ मैं ताकि वेस्ट ना हो। ये कुछ ये NYP का काजल है, एंड लाइनर्स रखे हुए हैं यहाँ पर, तो सारे लाइनर्स मैंने ऐसे ही रख दिए हैं। तो यस बहुत ज़्यादा ब्रांडेड लाइनर्स नहीं हैं, कुछ ही हैं, और जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वही हैं। NYV के दो हैं, बहुत ही सही है ये डेली यूज़ के लिए, बहुत अच्छा लगता है। एंड ये है किस ब्यूटी का यू नो शिमर लाइनर और ग्लिटर लाइनर यू कैन से, लैक्मे का है, मालिया का है, एंड फिजिस का है। एंड यस गाइस यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे तो इस पैकेट में आपको मिलेंगे मेरे सारे एसेंशियल चीज़ें, मतलब सब कुछ मिक्स है इसमें। तो ये हैं कुछ स्टीला कॉस्मेटिक के आई शेडोज़, एंड यस इट्स ड्यूप, मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया था, इनका रिव्यू भी शेयर किया है। कुछ तो ड्राई हो गए तो मैंने अलग कर दिया है उन्हें। एंड ये है NYP का कंसीलर, क्रीम कंसीलर, एंड ये शार्पनर है, और छोटी छोटी सी बीबी क्रीम, NCC क्रीम वगैरह रखी हुई है। ये NYP की लिपस्टिक है, लिपस्टिक्स आपको हर जगह मिलने वाली हैं। एंड ये कंसीलर हैं सारे, एंड ये है आईब्रो आईलैशेस जो हम सेट करते हैं ना उसके लिए। एंड यस इस तरीके से मैंने इसमें रखा हुआ है, 10 रुपीज़ वाला पाउच है, एंड 10 रुपीज़ मेकअप के वक्त में काम आता है। एंड इस बॉक्स में आप देखेंगे तो ये कुछ आई शेडो रखा हुआ है EDS का, एंड अगेन आपको यहाँ पे लिपस्टिक मिल जाएंगी ढेर सारी। और इसमें मेनली जो है वो मेरे लिप लाइनर्स रखे हुए हैं, आईब्रो पेंसिल्स हैं, एंड काजल वगैरह रखा हुआ है इसमें, और कुछ लिपस्टिक्स जो मेरे एक बॉक्स में नहीं आ रही थी वो मैंने इसमें फिट कर दी, इसमें जगह थी तो। एंड ये EDS की है, एंड NYV की है, मालियो की लिपस्टिक है, एंड ये NYV की क्रीमी लिपस्टिक है, बहुत सही है डेली यूज़ के लिए। ब्लशर है, इट इज़ ऑफ ₹20 or ₹25 समथिंग। एंड काजल वगैरह रखे हुए हैं, कलर्ड काजल है NYV का, ग्रीन एंड सिल्वर। तो इस तरीके से इसमें सारी चीज़ें रखी हुई हैं आप देख सकते हैं। तो यस
इसे हम कर देते हैं बंद और आगे बढ़ेंगे। तो ये हैं सारी लिपस्टिक्स, जो बच्ची कुची लिपस्टिक्स थी वो मैंने यहाँ पर रख रखी हैं। एंड सारे ही NYB के ज़्यादा हैं, क्योंकि NYB आपको अफोर्डेबल भी देता है और साथ ही अच्छी भी होती है लिपस्टिक्स उसकी। ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, ये लिपस्टिक प्लस आई शेडो है। यहाँ पर ये कुछ कुछ लिपस्टिक्स है जो मैंने लोकल मार्केट से ली थी। एंड यस, ये सारी मुझे पसंद आते हैं इसके कलर। और ये लैक्मे का 925 है, जो मैंने फर्स्ट ऑनलाइन लिपस्टिक बाय की थी वो है ये। एंड यस, आप आगे भी देखेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने ली की लिपस्टिक बाय की थी फ्रॉम माय लोकल मार्केट, इट इज़ ऑफ 100 रुपीज़। कलर बहुत शानदार है, NYB शक्ति का है। एंड ये बेला बॉस्टी की लिपस्टिक्स है। तो ये रहा, एंड अब हम नीचे आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ नेल पेंट्स, ब्यूटी ब्लेंडर्स रखे हुए हैं। एंड ये मेरा बैंगल का एक सेट रखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी कुछ बैंगल्स हैं, ज्वेलरीज रखी हुई हैं, इसमें मेरी बिंदी वगैरह रखी हुई हैं, और इसके नीचे भी आपको ज्वेलरीज मिलेंगी। तो अगर आप ज्वेलरी कलेक्शन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ टेल मी, मैं शेयर करूँगी। यहाँ ऊपर भी रखी हुई हैं सारी ज्वेलरीज। एंड ये कॉम्पैक्ट्स रखे हुए हैं यहाँ पर, लैक्मे है, पर्पल है, एंड SQ का है, वेट एंड वाइल्ड का कंटूर है। एंड यहाँ पर स्विस ब्यूटी का स्टिक है, फाउंडेशन स्टिक, मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, मुझे इसका यूज़ करना है। एंड रिव्यू भी शेयर करूँगी इसका मैं। ये वेसलिन का छोटा वाला मॉइस्चराइज़र। एंड ये काजल रखा हुआ है, एलिटीन का मैंने स्टॉक में रखा है, बहुत पसंद है मुझे। एंड ये वाइट एंड वाइट टोन का पाउडर है। एंड यहाँ नीचे हम आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ प्राइमर्स मिलेंगे, फिक्सर, मेकअप फिक्सर। एंड यहाँ पे मालियो का प्राइमर है, एंड ये मैंने लोकल मार्केट से जो बाय किया था 50 रुपीज़ का। एंड ये है SQ का टिंट, इसका क्या यूज़ करते हैं आई डोंट नो। एंड ये है मैक का ड्यूप, एंड इसका मैंने ओरिजिनल भी यूज़ किया है, एंड ये भी यूज़ किया है, 19-20 का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एंड ये है ब्लू हेवन का प्राइमर। एंड ये सारे आपको प्राइमर्स यहाँ पर दिख जाएंगे। फेयर एंड लवली रखी हुई है। एंड यहाँ पर ये है मालियो का हाइलाइटर। एंड ये है ग्लैम अप, ओलिविया का फाउंडेशन है, SQ का CC क्रीम, NYB का प्राइमर, एलिटीन का फाउंडेशन है, डेसलर है, ब्लू हेवन, NYB। एंड ये तो काफ़ी ज़्यादा कम भी हो चुका है। फेसिस का है, लैक्मे का है। एंड ये है मेरा सबसे फेवरेट चीज़, स्विस ब्यूटी का पर्ल इल्यूमिनेटर, बहुत पसंद है मुझे। तो ये यहाँ पे सारे आपको फाउंडेशंस एंड प्राइमर्स मिलेंगे। हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स मिलेंगे मेरे, और बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ही हैं। ये कुछ स्मॉल वाले पैक्स हैं जो गुड वाइब में हर बाय में मिल जाते हैं। एंड ये एल्फ गुडनेस के फेस पैक और स्क्रब हैं। यहाँ पे चारकोल फेस पैक है, पपाया है, एंड एलोवेरा जेल है, ये पपाया एल्फ गुडनेस का है। एंड यहाँ पर एवर यूथ का टैन रिमूवल फेस पैक है। फेस पैक्स आपको मेरे पास ज़्यादा मिलेंगे। सनस्क्रीन है गुड वाइब्स का। एंड यहाँ पर आउल प्योर की एंटी एजिंग क्रीम, बहुत सही क्रीम है ये, इसका रिव्यू भी किया है मैंने। एवर यूथ का स्क्रब है, टैन रिमूवल या वाइट टोन क्रीम है जो मैं डेली यूज़ करती हूँ। स्पिन्स का टैन रिमूवल पैक है, एंड केराटिन हेयर क्रीम है गुड वाइब्स का। ये है वयम का कल्प, काया कल्प एंटी एजिंग पैक, एंड इसका कंटेनर बहुत सही है। ब्रशेस रखे हुए हैं, ये भी ब्रश है पर्पल कलर का जो आपको दिख रहा है। एंड यहाँ पर नीचे आएंगे हम तो यहाँ पर है सारे आई शेडोज, स्टील कॉस्मेटिक का है। एंड ये है हाइलाइटर्स, यहाँ पर है आई लैशेज, ये स्मॉल वाला आई शेडो मैंने इसमें रख दिया था। एंड ब्लशर है वेट एंड वाइल्ड का। एंड यहाँ पर आपको देखेंगे कुछ छोटे छोटे आई शेडोज जो मैंने कप्स एंड लैशेज से बाय किए थे। ग्लू है, एंड मैंने स्टॉक में रख लिया था क्योंकि डेली तो लैशेज लगाते नहीं है। एंड ये हाइलाइटर्स, एंड ये SFR का पैलेट है। एंड यहाँ पर एक और हाइलाइटर है ADS का, ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। ये है फेसिस का कंटूर पैलेट, ADS का हाइलाइटर, NYB का है यहाँ पर, वेट एंड वाइल्ड का है। एंड बस यही सारी चीज़ें मैंने इसमें रखी हुई हैं, मोस्टली आई मेकअप एंड हाइलाइटर वगैरह रखा हुआ है यहाँ पर। एंड यहाँ पर आप देखेंगे जो आपको नीचे छोटे छोटे से दिख रहे हैं ना, ये जो है मैंने कप्स एंड लैशेज से बाय किए थे शिमर्स, एंड ये 10 रुपीज़ का एक पड़ा था। तो बस गाइस, यही है मेरा एक छोटा सा कलेक्शन। सो गाइस,
दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो. होपफुली आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो. एंड यस गाइस, और भी इस तरीके का कुछ आप देखना चाहते हैं लाइक मेरा ज्वेलरी कलेक्शन और कुछ कुछ ऐसे अलग से देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगी. सो टेक केयर गाइस, बाय.